अयान की भी तैयारी काफ़ी वक्त से हो रही थी कि वो भी बेचारा इसके भी गाने आएंगे, और क्योंकि अयान बहुत अच्छा गाना गाता है और ये एक्चुअली इसके रैप बहुत अच्छे हैं अयान के। लेकिन जब अयान ने अभी कुछ वक्त पहले इन्होंने खुद लिखना शुरू करा, तो इन्होंने जब ये गाना लिखा वो बहुत अच्छा गाना था, वो रैप नहीं लिखा इन्होंने। तो अब ये हुआ बीच में कि नहीं हम लोग ये गाना पहले निकालते हैं, जबकि अयान इज़ अ रैपर एक्चुअली और वो बहुत अच्छा रैप करता है। जल्दी हम लोग दूसरा एक रैप भी लेकर आएंगे अयान के लिए और आप सबको बुलाएंगे और फिर शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैं लकी तो हूँ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बस आप लोग खुश रहें, आप लोगों के लिए अच्छे गाने या इनके अच्छे कंटेंट्स आते हैं ना, आप इनको प्यार देते रहिए प्लीज़। यही आप लोगों से गुजारिश है। देखिए जब अयान ने लिखा तो वो तो मुझे नहीं मालूम था कि ये लिख भी सकता है। मैंने इसको हाँ गाना गाने के लिए ज़रूर इनक्रेज करा, क्योंकि मैं चाहता था दोनों बच्चे मेरे वर्सटाइल रहें, और मतलब ये जब एक्टिंग कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये कंटेंट्स बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ये जब बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं ये भी चाह रहा था कहीं ना कहीं ये दोनों गाना भी गाएँ। और अभी मैं जैसे ये चाहता हूँ ये दोनों कुछ स्टेज परफॉर्मेंस भी करें, जैसे कॉन्सर्ट्स करें, है ना, हम जाकर के इन दोनों को लेकर के, क्योंकि अगर आप भाई बहनों की जोड़ी देखेंगे तो ये दोनों बहुत फेमस हैं भाई बहन की जोड़ी में। मैं चाहता था कि वो स्टेज पे भी परफॉर्म करें एज अ ब्रदर सिस्टर, तो मैं यही तो चाहता था कि दोनों गाना गाएं। बट अयान ने अपना खुद से जो एक लिख करके किया वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था, और उसने लिखा भी बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को कैसा लगा वो बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमको पता लग जाएगा। हम दो दिन लेट हो गए हम लोग, हमें 16 पे लाना था, क्योंकि मैं चाह रहा था जैसे कि जन्नत का एक गाना आया था, जब जन्नत ने शुरुआत में गाना किया था वो 18 में किया था, यस, तो 18 में जब मैंने उसका गाना लेकर आया, तो अभी मैं चाहता अयान का मैं 16 ईयर्स में लाऊं, लेकिन मैं खुद से दो दिन लेट हुआ, मुझे मालूम है मैं बाहर भी था और ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैं जिस वजह से थोड़ा सा गाना लेट हुआ दो दिन। ये 12th को आना था, इसके लिए इसकी बर्थडे भी पुश हो गई, इसका इसको बेला बेला के नहीं बैठे तो वह गाने के साथ ही करते हैं, खैर मान भी गया, तो दो दिन मैं लेट हुआ, बट आफ्टर ऑल आज आप सबके बीच में गाना है, आप सब लोग सुनिए और इंजॉय करिए। ओवर टू नाज़नीन, मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी कह दी इन्होंने। एज यूजुअल आपने कहा कि प्राउड पेरेंट्स हैं, प्राउड मदर हैं, और ऐसी प्राउडनेस हमेशा चाहते हैं कि नया नया कुछ लाते रहें आप सबके लिए, हमारे लिए, और हम ऐसे ही खुश होते रहें, ऐसे आपको इंटरव्यू देते रहें, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते, बस हर पल से दुआएँ निकलती रहती हैं बच्चों के लिए। गानों के मामले में अयान ने मुझसे कुछ भी इनपुट नहीं लिया है, इनफैक्ट अयान खुद गाना लिख रहा है तो अयान के पास एक एडिशनल टैलेंट है, जिसकी वजह से मुझे अयान से इनपुट्स लेने पड़ेंगे कि तुम मुझे बताओ कैसे लिखते हैं। हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि मैं गाना नहीं लिख सकती, मैं सिर्फ गाती हूँ। तो ये जो चीज़ अयान ने की है वो पूरी तरह से अयान का इनपुट था, और उसको गाने के लिए इंकरेज करने का इनपुट डैडी का था। बट आई एम वेरी हैप्पी, वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी दैट अयान इतना छोटा है, बिकॉज जब अभी 16 का हुआ है, पर जब गाना लिखा तो 15 साल का ही था, और इतना अच्छा गाना लिखा उसने, जो हमें एट फर्स्ट बिलीव भी नहीं हो रहा था कि अयान ने ही लिखा है, तो हम इसे पूछ भी रहे थे कि अयान सच बताओ किसने लिखा है। किसी ने बिलीव नहीं किया, मम्मी डैडी ने नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली एक दो दिन में उनको बिलीव हो गया कि अयान ने लिखा है। सो या वी आर वेरी हैप्पी। I'm feeling very blessed. I'm very nervous. I'm very excited. मैं nervous हूँ because ये मेरा पहला song है, and मैं excited हूँ because ये मेरा पहला song है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। और blessed वाला तो बताया नहीं? Blessed। I'm blessed because मेरी पूरी family मेरे साथ है आज।
मम्मी साथ होके भी अलग है. आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मेरी पूरी फैमिली आज मेरे साथ है इस दिन पे जब मैं अपना पहला सॉन्ग ला रहा हूँ. एक नई चीज़ डिस्कवर करी है मैंने कि मैं लिख भी सकता हूँ गाने, तो बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर से एक अलग टाइप की खुशी आ रही है कि मैंने गाना लिखा है, मैंने गाना गाया है. तो एक ये नई चीज़ है जिसके अंदर मैं आया हूँ एंड मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी सॉन्ग को आके हुए 2 घंटे और अभी तक के मैं जब से इंटरव्यूज़ ही दे रहा हूँ तो अभी मुझे किसी का रिएक्शन देखने का मौका नहीं मिला है. तो जब ही अभी सब आएंगे लोग तब वो मुझे बताएंगे उनको कैसा लगा. एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब एक जेन्युइन रिव्यूज़ दें हमें, ताकि कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है तो मेरे आगे जो भी सॉन्ग आए उनके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ. अगर आप लोग झूठी तारीफ करेंगे कि अच्छा लगा है तो मैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा. अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि यार ये ऊपर नीचे था और मुझे आप बताएंगे कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं अपने आगे आने वाले गानों में वो इम्प्रूव करूँगा वो चीज़ को. लेकिन मैं देख करके आया हूँ बहुत सारे थम्स अप आए हैं. मैं ज़्यादा म्यूज़िक लाइक गानों में नहीं हूँ. मैं ज़्यादा रैप सुनता हूँ. मैं मोस्टली एमी वे को सुनता हूँ. उनके सारे ही रैप सुने हैं, सारे गाने सुने हैं. तो आई गेस हिम. और आने वाले समय में आप अपने आप को एक अच्छा गायक देखते हैं, अच्छा एक्टर देखते हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? सी, मैं ये एक नई चीज़ में आया हूँ. मैं गाना, ये जो है लाइन म्यूज़िक इंडस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है, वेरी ब्रॉड इंडस्ट्री. मैंने लाइक ये सोचा नहीं था कि मैं ये इंडस्ट्री में मैं आऊँगा, इस इंडस्ट्री में भी कुछ काम करूँगा, कुछ सोचूंगा कि लाइक गाना लिखना या फिर गाना गाना. लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने बचपन से करी है, बचपन से करता आया हूँ. हमेशा से वो दिमाग में है कि मुझे बड़े होके भी एक्टिंग ही करनी है, यही लाइन में आगे जाना है, बॉलीवुड फिर हॉलीवुड. तो फ्यूचर प्लानिंग्स में अभी के लिए भी वही है जो एक चीज़ हमेशा से मैं करता आया हूँ कि एक्टिंग करनी है मुझे. और ये एक एडिशनल चीज़ अब मैंने ऐड कर दी है कि मुझे सिंगिंग में भी जाना है, लिरिक्स भी लिखना है खुद, और खुद ही गाना है और खुद ही सारी चीज़ें बनानी है. तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए भी मेरे वही फ्यूचर प्लानिंग्स है कि मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड में गाना है. देखिए शुरू से तो मैं यही चाहता था दोनों बच्चे एक्टिंग करें, एक एक्ट्रेस है एक एक्टर है. बट जैसे जैसे लोग, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे जैसे लोगों ने एक्टिंग करा, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, भाई बहनों ने दोनों ने मिल के ये कंटेंट क्रिएटर रहे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करे. तो मैं चाह रहा था क्योंकि जब हमारा यही एक फील्ड है, इसी लाइन में हमको जाना है, तो एक ये जॉनर क्यों छूट जाए सिंगिंग वाला. तो अभी मैं चाहता था कि दोनों सिंगिंग में करें. जैसे जन्नत को मैं 4 साल पहले जब ये 18th मतलब इनका बर्थडे था तभी मैं एक गाना लेके आया. उसके बाद थोड़ा सा बीच में गैप हो गया इस कोविड की वजह से एंड फिर दूसरी और चीज़ों की वजह से. बट अभी मैं बैक टू बैक इनके जन्नत के भी 2-3 गाने आए हैं, और अभी अयान भी माशाल्लाह, क्योंकि मैं चाह रहा था 16 में लॉन्च करूँ, अब अयान के भी आपको जल्दी जल्दी गाने देखने को सुनने को दोनों मिलेंगे. तो मैं यही चाह रहा था कि एक्टिंग सिंगिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड सब मतलब पूरा वर्सेटाइल हो जाए दोनों बच्चे. झगड़े तो लेकिन लाइक प्रॉपर झगड़े झगड़े नहीं होते हैं, बट वो एक हर दूसरे दिन एक छोटी छोटी लड़ाई होना वो हर दूसरे सिबलिंग का होता है. हो जाती है. हाँ, वो 15-20 मिनट के लिए बात बंद हो जाती है. बात बंद होती है थोड़ी देर के लिए. मैंने बोला कि 10 मिनट के ऊपर जाता नहीं है वो चीज़. बड़ी से बड़ी चीज़ हो जो भी हो वो 10 मिनट के ऊपर जाती नहीं है हमारी. लिरिक्स पे तो नहीं बोला है, लेकिन नहीं बोला है बट गाने के लिए बोला है, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग बोला है. और सेम अयान ने भी मुझे कई बार बोला है
मेरा गाना सुन के जब उसको जेन्युइनली कुछ नहीं पसंद आता है तो वो बहुत क्लियरली बोल देता है. आपको बोला इनफैक्ट? हाँ, मेरे पहले गाने भी उसने बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज किया था काफी चीजों को लेकर. अभी उसके ऊपर वो गई थी क्या, लाऊं के नहीं लाऊं? तो मतलब इनफैक्ट डैडी ने मुझे बोला था अयान की बात मत सुनो, तो इतना क्रिटिसाइज कर रहा था. नहीं, क्योंकि जनत भी बहुत कॉन्शियस होती जा रही थी, एकदम से प्रेशर मार रही थी क्योंकि ये इतना बोल देता था. अच्छा, वो छोटा भी था उस टाइम, बहुत छोटा था, तो ज़्यादा ज़्यादा बोल देता था, तो जन्नत एकदम कहीं ना कहीं एकदम कॉन्शियस हो जाती थी. तो मैंने कहा भाई उसकी बात ज़्यादा मत सुनो. सी, मैं जेन्युइनली बोलता था एंड उसको भी अपनी जब उस चीज़ को इम्प्रूव करके लाती थी कि यार देखो उस चीज़ को मैंने फिर बेटर करके लाया है, तो फिर वो गाना और अच्छा निकल के आता था. तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा जेन्युइनली बोलता था यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, तो नहीं लगी. बेटा वो आ गया लेकिन वो बंद हो जाता, तुम तो इतना बोल रहे थे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर सुना देता हूँ. तुझको इतना मैं प्यार करूँ, इस बात का अंदाजा है तुझको नहीं, इस बात का अंदाजा है तुझको नहीं. तेरी यादों में सोता हूँ, तेरी बातों में खोता हूँ, तेरी यादों में सोता हूँ, तेरी बातों में खोता हूँ. तेरी खुशी में खुश मैं रहूं, तुम आने आना. तो ये है थोड़ा सा. थैंक यू एवरीवन. सोलो हाँ, एक यस. एवरीवन हियर इन माय कैमरा नाउ. यस So one more here, ma'am. Thank you. Janna ji, aapka solo. Ek solo and together. सोलो हाँ हाँ आयान का भी जन्नत जी. आप सब मालूम है सामने की, सब मालूम है बहुत
सर मैडम यहाँ पर, यहाँ पर आयान, आयान थैंक यू पहले एक एक पहले यहाँ पे लेने दो, फिर हम वहाँ लेंगे। मैम यहाँ पे लिख में आइए, फुट कट ले लेते आइए। एकदम से ऐसे ही बड़ा हो गया। मैंने उसको लिटरली छोटा सा देखा है, मैं उसको खरगोश बुलाती थी बिकॉज व्हेन ही वाज यंग और हम अशोका कर रहे थे तब वो एकदम सफ़ेद सा बच्चा था जो धूप में यू नो थोड़ा सा जाते ही लाल हो जाता था। और बचपन में इफ़ यू गाइस रिमेंबर अयान के गोल्डन बाल हुआ करते थे, ये बड़ा होते होते काले हो गए। सो ही मैं उसको खरगोश बुलाती थी, बट ये खरगोश अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, अब इसको खरगोश नहीं बुला सकते हम। I am actually speechless right now because for me Ayan is still little Ayan and I'm so happy to see him progress. I'm really happy कि वो life में इतने आगे इतनी छोटी सी उम्र में बढ़ चुके हैं। वैसे तो बचपन से वो काफ़ी मेहनत करता आया है, बट नाउ दैट उनका गाना आया है आई जस्ट वॉन्ट कंग्रेचुलेट हिम एंड आई नो ही इज़ गोइंग टू डू वंडर्स एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी दैट प्राउड सिस्टर। जमुना भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, याद रहेगा।
यस एक्चुअली मैं लास्ट जब जन्नत और मैंने साथ में कोई पार्टी की थी दैट वाज़ द फर्स्ट सॉन्ग विच आई रिलीज व्हेन शी हैड संग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई जस्ट थिंक कि उन्होंने जो गाना गाया है हमारे वतन के लिए उन्होंने हमारे वतन को उतना ही प्राउड किया है और करती आई हैं बचपन से एंड आगे भी बहुत करेंगी सो For me, I will always remember her in my prayers and I just hope that Allah usko bhi bahut aage badhaye and the whole family is very sweet. Yeah, puri family bahut sweet hai and I think it's just, she is someone that will always stay no matter what. Chahe kitna gap aa jaye, chahe kitna kuch ho jaye, she'll always stay. So I just have abandoned of love for her, that's it. Thank you so much. Thank you. आप जो शो करती है सुर्खी में छाए आते हैं मैं जानना चाहते हैं आप अगर खुदा ऐसा को म्यूजिक एल्बम आने वाला है तो आप लोगों को बहुत पसंद किया गया था क्या थैंक यू कि आपने हमें इतना पसंद किया बट फिलहाल ऐसे कि म्यूज़िक एल्बम पाइपलाइन में नहीं है बट इफ़ लाइक यू नो एक एक्टर की लाइफ मीडिया डिमांड पे ही चलती है पब्लिक डिमांड पे ही चलती है वो वही यू नो म्यूज़िक वीडियोस और उस तरह के शोज़ करता है जो कि पब्लिक की डिमांड होती है सो इफ़ द पब्लिक डिमांड्स देन यस डेफिनेटली बट नथिंग एज ऑफ नाउ थैंक यू पापा ने बोला तो बहुत जल्दी वेब सीरीज में भी आप आने वाले हैं कौन से पापा ने बोला कब बोला कुछ भी मतलब हाँ कुछ भी अपनी तरफ से बोल देना देखो मेरे पापा ने तो नहीं बोला अब किसी और ने अपनी बेटी बना के बोल दिया होगा तो वो अलग बात है अच्छा बता दो अभी से शी नोज एवरीथिंग दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस यस आई एम गोइंग टू डू अ म्यूजिक एल्बम एंड आई हैव हर्ड द सॉन्ग इट्स वेरी फन एंड It's pretty lively, it's a lot of fun and it's a peppy number. Don't want to reveal much but I'll be travelling on the 21st for it. And gaana jaldi aayega inshallah and I hope aap sabko pasand aaye and aap mujhe support kare jaise aapne aaj tak har project ko leke mujhe kiya hai aur itna pyar diya hai itne saalon se. So just need that love and I'm just very grateful. I'm itni gratitude se bhari bhi hoon aajkal. मेरे पास ज़्यादा अल्फाज बचे नहीं है कहने के लिए बट आई जस्ट थैंक यू सो मच